सरोकार। सूरजपुर में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने देश की तैयारी कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जांजगीर चांपा में स्कूल संचालक और कर्मचारियों की मिली भगत आई सामने, 72 लाख के घोटाले का पुलिस ने किया उजागर। जगदलपुर में वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करों पर की कार्रवाई, 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। बरमकेला में पुलिस को बड़ी कार्रवाई, 30 किलो गांजा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। अलग अलग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 को मध्य प्रदेश के डिंडौरी से पकड़ा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी में फुल चुनावी मोड है, जहां प्रतापपुर मंडल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा की अगुवाई में फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, जहां आम सभा और कार्य समिति की बैठक कड़ी दर कड़ी जारी है। आपको बता दें कि इस कड़ी में आज प्रतापपुर मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर पहाड़ी इलाका जजावल में बृहद कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति सहित पार्टी के कई एजेंडों पर बात हुई। इस दौरान काफी संख्या में प्रतापपुर सहित जजावल के लोग कार्यकर्ता मौजूद रहे। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा के मयूरा कॉन्वेंट स्कूल संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों के मिली भगत से शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 72 लाख रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया। बता दें कि मामला 2019 से 20 का है, जहां 2 साल पहले हुए इस घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद इसी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को मिली, जिसके बाद मामले में कलेक्ट्रेट के निर्देशक पर क्लर्क शिवानंद राठौर को निलंबित और कंप्यूटर ऑपरेटर विकास साहू को बर्खास्त किया गया और स्कूल संचालक को राशि वापस करने के निर्देश दिए। इस मामले में स्कूल संचालक ने अपनी गलती स्वीकार की और क्लर्क ने इसे मानवीय त्रुटि बताते हुए सुधार के लिए उच्च अधिकारियों को पहले ही जानकारी देने का दावा किया। थाना जांजगीर में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि मयूरा कॉन्वेंट स्कूल बलौदा के संचालक राजेंद्र मौर्य और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शिवानंद राठौर सहायक ग्रेड 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर विकास कुमार साहू के द्वारा जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत भुगतान किए जाने वाली राशि होती है, उसका जो मांग पत्र है, जो पात्रता की राशि है, उसमें उसमें पात्रता से अधिक राशि का मांग पत्र भेज कर राशि का बेईमानी पूर्वक गबन करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज किया गया। मैं गंभीर रूप से बीमार था और हमारे खाते में 7 लाख समथिंग आना था, वो गलती से 72 लाख आ गया था, लिपिकी जिला शिक्षा अधिकारी की लिपिकी भूल के कारण। और जब हम लोगों को पता चला, बताया गया 4-6 महीने बाद, तो हम लोगों ने 30 लाख रुपये वापस कर दिया। शेष राशि टीचरों के वेतन, चूँकि कोरोना काल था, फीस आ नहीं रहा था, शिक्षकों को 6-6, 7-7 1-1 साल तनख्वाह नहीं मिला था, तो उसी में से हमने तनख्वाह प्रदान कर दिया था। गड़बड़ इसमें ये हुआ था सर कि शिक्षक अधिकार के अंतर्गत स्कूलों को फीस मिलता है, और जब हम लोग सूची बनाए तो उसको लेके रायपुर गए। रायपुर में बोले कि ये सूची सही नहीं है, इसको सुधार करो। और कुछ स्कूलों का पैसा नहीं गया था, तो वहाँ बोले कि सब स्कूलों को उसको क्या पैसा नहीं दोगे।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष जुड़ेंगे। मनीष, देखा जाए तो बहुत बड़ा घोटाला किया गया है स्कूल संचालक और कर्मचारियों की मिलीभगत से, वहीं पुलिस ने इसका उजागर भी किया है। जी, बताना चाहूंगा, ये पूरी मामला बलौदा थाना क्षेत्र के मयूरा कॉन्वेंट स्कूल संचालक के द्वारा किया गया है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जांजगीर के कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क के द्वारा यह मिलीभगत की गई है। जी, बताना चाहूंगा, स्कूल संचालक को महज 7 लाख रुपए आरटी के तहत देना था, जो कि क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा ने मानवीय त्रुटि बताते हुए 72 लाख भुगतान किया गया था। जी, यह मामला वर्ष 2019-20 का है। 2 साल पहले इस घोटाले की जानकारी सामने नहीं आई थी। जैसे ही सामने अभी 5 फरवरी को घोटाले की सामने आई, जिस पर शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कलेक्टर के निर्देशन पर सिटी कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराया गया था। पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष। अवैध रूप से गांजा परिवहन करते अंतर्राज्यीय तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जहां थाना नगरार सीमा से लगे उड़ीसा प्रांत से होने वाले अवैध पदार्थों की परिवहन को रोकने और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए टीम गठित की गई थी। बता दें कि टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा से कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक ऑटो में बैठकर जगदलपुर की ओर आ रहे हैं, जो अपने ऑटो में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे हैं। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत कराया गया, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ऑटो में अवैध रूप से गांजे का परिवहन कर रहे हैं और जगदलपुर की ओर आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत कराया गया और मुताबिक निर्देश तत्काल धनपुंजी चेक पोस्ट पर चेकिंग की कार्रवाई की गई। कुछ समय पश्चात एक ऑटो जो जगदलपुर की ओर आ रहा था, पुलिस को देख करके वापस मोड़कर भागने की फिराक में था, जिसे तत्काल दौड़ाकर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर इसमें 4 व्यक्ति मिले, जिन्होंने अपना नाम अमित पटेल, रंजीत पटेल, जवाद अली, लवकुश, ये सब। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता चुमन जुड़ेंगे। चुमन, देखा जाए जगदलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है फॉरेस्ट विभाग के लिए। इन्होंने जिस प्रकार का यह काम किया है, जगदलपुर रेंज के अंतर्गत यह आता है, इसमें एक बामनराज करके गाँव का नाम है, जहाँ पर इनको सूचना मिली कि दो गाड़ियों में एक चिरान की जो तस्करी इन लोग कर रहे थे, इनको सटीक सूचना मिलने पर इन्होंने वहां पर दबिश दिया। दबिश देने के साथ ही 4 आरोपियों के साथ इनको इमारती लकड़ियां मिली। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका चुमन। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि मामला विकास खंड सोनहत के अंतर्गत ग्राम पौड़ी का है। वही व्यक्ति जिसका नाम सुखलाल बताया जा रहा है, जहां युवक को सांप ने काट लिया था। आपको बता दें कि वह चूहे के बिल से निकालने के लिए बिल में हाथ डाल रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया। आनंद फानंद में परिजनों ने जानकारी होने पर तत्काल परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया, लेकिन एम्बुलेंस वालों ने कहा कि आने में देर होगी, जब तक व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाता तब तक युवक ने दम तोड़ दिया था। ये मेरे दोनों भाई हैं, इन्हीं लोग दोनों लाए थे, तो मैं इनको आके पूछा कि एक भी इंजेक्शन मिला है, तो बोले कि नहीं मिला है। तो मैं फोन से आए थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई थोड़ा जल्दी करवा दे यार, इनका हालत थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो रहा है। तो बोले यार बिना डॉक्टर के आए कुछ नहीं हो सकता है, नर्स है तो नहीं कुछ करेगी बिना डॉक्टर के। तो मैं ये भी बताया कि आज छुट्टी है, तो मैं बोला इमरजेंसी डॉक्टर तो होना चाहिए, तो इमरजेंसी डॉक्टर भी नहीं थे यहाँ, पता नहीं उन्हीं लोग बुलाए डॉक्टर को, आए वो देखे, लेकिन उतना समय सही था, डॉक्टर आ गए थे, डॉक्टर बोल रहे थे अभी कुछ नॉर्मल है। बहुत देर बाद जब उस ज़्यादा बेहोश हो गया, उस समय इन लोग उसको एक तो पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिए। कितना बजे? ये लगभग 3:30 बजे दिए। ये कोई सांप काट दिया, इसकी घटना हो गया, जैसे चूहा कौन ने बीच में हाथ डाला, सांप काट दिया उसके हाथ में। कौन?
क्या नाम? मेरे जीजा जी। नाम क्या था? सुखलाल नाम है। अच्छा, सर यहाँ समय में इलाज नहीं मिला इसलिए वो डेट हो गई। अच्छा, कितना देर यहाँ लाने के बाद इलाज उलाज हो? सर यहाँ लगभग 3 बजे लाए हम लोग, वो 2-2.5 घंटा तो क्या बोल रहे हैं जो डॉक्टर है ना वो इलाज नहीं किया इसलिए वो लेट हो गए। ये मेरे दोनों भाई हैं, इन्हीं लोग दोनों लाए थे, तो मैं इनके बाद पूछा कि एक भी इंजेक्शन मिला है, तो बोले कि नहीं मिला है, तो मैं फोन साए थे। बोधघाट पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। बता दें कि पुलिस को 5 फरवरी को एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। शक के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद व्यक्ति ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज है और आगे की कार्यवाही पुलिस कर रही है। करकापाल मुर्गा बाजार में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी को बस्तर पुलिस ने आज सुलझा ली है। मृतक देवोनंद का कातिल राजेश पुनेम को पुलिस ने बीजापुर से गिरफ्तार किया है। राजेश पुनेम से पूछताछ के दौरान उसने घटना कारित करना स्वीकार किया और उसने जिस हथियार से उसकी कत्ल की और जो उसके पैंट को फाड़ के जो उसने फेंका था उसको बरामद भी करवाया। साथ ही साथ उसने बताया कि उनके बीच में विवाद मोबाइल को लेकर हुआ था। दोनों ने साथ में मिलकर दारू शराब भी सेवन किया था, जिसके बाद जो मृतक है वो उसके मोबाइल को लेकर भाग रहा था, जिस पर राजेश पुनेम ने उस पर हमला किया और आक्रोश में आकर धारदार हथियार से एवं गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी राजेश पुनेम को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जिसके पश्चात उसे जेल में। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर SECL क्षेत्र में कबाड़ियों की ओर से लगातार SECL के कल पुर्जों को काट कर ले जाने के मामले में विश्रामपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल बीती रात 5 लोगों द्वारा SECL के कोयले उत्खनन में उपयोग होने वाले ड्रैग लाइन मशीन जो काफी समय से सेवा दे रही थी अब वह बंद पड़ी है, जिसे कुछ लोगों की तरफ से लगातार उसके कल पुर्जों को काट कर ले जाने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर विश्रामपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गैस सिलेंडर, कटर और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। दिनांक 12/2/2023 को रात्रि गश्त के दौरान जरिए मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि ड्रग लाइन में कुछ व्यक्ति उसके कल पुर्जे को काट रहे हैं। सूचना पर हमारा स्टाफ के मौके पर जाकर घेराबंदी की है। घेराबंदी के दौरान मुकेश सोनी, केलापारा, बनारसी यादव, रामनगर, संतोष सिंह, कुंदाबस्ती, आकाश सोनी, जयमकू कॉलोनी, अमीरुल्ला उर्फ सुखल, ITI कॉलोनी विश्रामपुर को पकड़ने के बाद उसे पूछताछ करने पर चोरी करने बताया। आरोपियों से क्रमशः गैस कटर, तांबे का तार गुच्छा, कॉपर वायर कुल 2,57,700 रुपये का सामान जब्ती किया गया है। प्रकरण में आरोपियों को विरुद्ध सदर धारा का अपराध पाए जाने से। बलरामपुर के खजूरी तुहलू पत्थर पारा गांव में दम घुटने से 3 मौतें होने का मामला प्रकाश में आया है। गमला भट्टा पर सो रहे मजदूर अचानक ईंट भट्टे में गिर गए, जिसके कारण 3 की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामवासियों की मदद से सभी मृतकों के शवों को भट्टे से निकाला गया। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जाँच पड़ताल करने के निर्देश जारी किए हैं। खाना वाना खा के भट्टा के ऊपर ही सो गए थे। भट्टा में आग लगने से, उसमें गर्मी होने से, गर्मी लगा तो ये जो अजय है वो नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद वो गांव वालों को बताया कि 3 लोग और सोए हुए हैं, तो गांव वाले लोग उसको आज सुबह नीचे उतारे तो देखे कि वो 3 मृत हैं। भट्टा लगाने के बाद खाना वाना खा के नशे के हालत में 4 सोए हैं ऐसा लग रहा है। प्रथम दृष्टया जो है मृत्यु दम घुटने से हुई है ऐसा प्रतीत हो रहा है। PM के बाद जो है चीजें स्पष्ट होंगी। बरमकेला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 30 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी
कार में गांजा को खपाने ले जा रहे थे। इस दौरान आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बरगढ़ उड़ीसा तरफ से एक ड्राइवर गाड़ी में दो व्यक्ति गांजा लेकर कोरबा तरफ जा रहे हैं, तो वरिष्ठ अधिकारियों की जो सूचना है उसको अवगत कराकर पुलिस पार्टी और गवाहों को साथ लेकर ये चाटीपाली अटल चौक के पास घेराबंदी किया गया था, जिसमें एक ड्राइवर सिल्वर कलर की ड्राइवर गाड़ी आते हुए दिखाई दिया, जिसको रोक कर चेक किए तो उसमें 30 पैकेट भूरे रंग के प्लास्टिक पैकेट में भरा हुआ 30 पैकेट गांजा मिला। जगदलपुर रेंज में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जहां वन विभाग ने 4 लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार कर लाखों की इमारती लकड़ी बरामद की। वहीं इस संबंध में जगदलपुर रेंज के अधिकारी देवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टाफ के द्वारा सूचना पर हमने तुरंत बामनारस ग्राम से टीम घटनास्थल पर भेजी और तस्करों को धर दबोचा और अभिषेक श्रीवास्तव, अमित झा, निर्मल देवांगन समेत कार्रवाई में शामिल टीम को बधाई दी और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई किए जाने की बात कही। कुल जो है 34 नग साल फिरान जो है से गाड़ियों से दोनों गाड़ियों में जो है जब्त हुई है, जिनकी कीमत लगभग जो है 1 लाख रुपए जो है थी। और इन दोनों गाड़ियों के विरुद्ध जो है रात सात की कार्रवाई जो है प्रारंभ कर दी गई है, तथा जो अभियुक्त तो जो है 4 लोग जो है पकड़े गए हैं उनको न्यायालय में जो है प्रस्तुत करने की जो है कार्रवाई। खबर पामगढ़ से है, जहां जनपद अध्यक्ष राजकुमार पटेल और विधायक इंदु बंजारे के नेतृत्व में तालाबंदी की गई। स्थायी सीईओ ने नहीं होने से नाराज अध्यक्ष ने जनपद के काम को प्रभावित होने का आरोप लगाया। एसडीएम पामगढ़ ने एक सप्ताह में व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया। बता दें कि शासन ने निर्निधि नंदेहा को जनपद पंचायत पामगढ़ का सीईओ बनाया था। बाद में निर्निधि नंदेहा के ट्रांसफर के बाद प्रज्ञा यादव को पामगढ़ में नियुक्त किया गया, लेकिन अब तक प्रज्ञा यादव का पदभार नहीं हो पाया। कोई नई सीईओ ज्वाइन कर ली है, उनका पोस्टिंग यहाँ तक कल किया जाए करके, और जो यहाँ पे वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर निर्निधि साहब हैं वो छुट्टी में थे, छुट्टी से भी लौट आए हैं यहाँ का, तो कोई काम प्रभावित हो भी नहीं रहे वैसे। और इन लोगों का मेन था कि उनका पोस्टिंग किया जाए, रीपा वगैरह के काम में कुछ है, तो अभी आश्वस्त यही किए हैं अभी कि 7-10 दिन लगेगा कम से कम, तो अभी दीपा वगैरह का काम चल रहा है, वो थोड़ा सा प्रोग्रेस में आएगा, उसके बाद फिर मैं का जो प्रभार है नियम था जो जिला से होगा वो सब हो जाएगा सर, उसको ही आसपास ये उसी के रास्ते इन लोग अभी ये सब कार्रवाई शुरू कर। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमें आने वाले समय में ऐसा आंदोलन करना ना पड़े, तालाबंदी ना करना पड़े, और वो हमारे जो सीओ हैं उनका पद भार यहाँ पे दे दे, और हमारे क्षेत्र के जो विकास कार्य काफ़ी ठप हो रहा है, हर लोगों को दर दर भटकने की आवश्यकता पड़ी, वो उनको ना हो ऐसा मैंने सम्मानी हमारे एसडीएम महोदय जी को भी बोला है। तालाबंदी हम लोगों ने किया था, उस तरफ का गेट था उसमें हम लोग तालाबंदी किए, जब इसके मेन गेट में तालाबंदी करने के लिए आए तो यहाँ पर रामगढ़ के अनुभागीय अधिकारी कम्बोली जी ने यहाँ पर आए और हम लोगों से चर्चा करने लगे कि आप लोग ऐसे मत कीजिए, और मैं इसके लिए से लेता हूँ कहकर एक सप्ताह के लिए उन्होंने अपने आप पर जिम्मेदारी लिया है कि एक सप्ताह के अंदर भी यहाँ पर जो सीओ हैं वो पदस्थ हो जाएंगे, ये प्रकार के उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। देश में शांति स्थापना और सद्भावना का संदेश लेकर तेलंगाना राज्य के हैदराबाद से भारत यात्रा पर निकले 72 वर्षीय डॉक्टर रमेश चंद्र बाबू बस्तर मुख्यालय जगदलपुर शहर के नया पारा स्थित प्रदेश पत्रकार यूनियन संभागीय कार्यालय में है। वर्षीय डॉक्टर रमेश चंद्र बाबू मूलतः हैदराबाद के निवासी हैं। अब तक इन्होंने 150 जिलों में 10 राज्यों का मोटरसाइकिल से 30,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। लोगों का मैं नमस्कार, हमारा नाम रमेश चंद्र बाबू, हमारे उम्र 72 इयर्स, और प्रिपेयरिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियली माई अटेम्प्टेड I started at 10/9/2022. अभी तक 150 days complete करे, 30,500 किलोमीटर्स कंप्लीट, 10 states पूरा घूम रहे।
जगदलपुर से खबर है जहां पर भारत यात्रा पर निकले 72 वर्षीय डॉक्टर रमेश चंद्र बाबू जो कि मोटरसाइकिल से 30,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। खबर जगदलपुर से है जहां पर 72 वर्षीय रमेश चंद्र बाबू 30,000 किलोमीटर का सफर मोटरसाइकिल से तय कर रहे हैं। वो भारत भ्रमण पर निकले हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से भारत भ्रमण वो मोटरसाइकिल से कर रहे हैं उन्हें एक अच्छा अनुभव मिला है। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत आज बलरामपुर जिले के एक दिवसीय प्रवास पर राजपुर पहुंचे। मंत्री ने राजपुर में मां महामाया मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही माता संतोषी के मंदिर के वार्षिक उत्सव में खाद्य मंत्री शामिल हुए। इसके साथ ही मंत्री ने मां संतोषी के प्रसाद को ग्रहण किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। संतोषी माता के जो मंदिर है उसका वार्षिक उत्सव है और इसमें जुड़े हुए सभी भक्त प्रेमियों का सभी साथियों का आग्रह था कि वार्षिक उत्सव में आप सम्मिलित हों। माता के श्री चरणों में हम सब लोग आए थे और पूजा अर्चना करके सबके लिए पूरे प्रदेश के लिए हम लोगों ने दुआ मांगा है कि सभी के सुख समृद्धि के लिए सभी के विकास के लिए माता जी के दरबार में जो भी आता है उसका मनोरथ पूरा होता है। सरगुजा के सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोषण पुनर्वास केंद्र की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि कुपोषित बच्चे को सही डाइट नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें बासी दाल खिलाई जाती है। वहीं पूरे मामले में खंड चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि NRC के कुक से गलती हुई है, मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो बनाया था करके इसमें ये उन्होंने उस गलती को स्वीकार भी किया है, उसमें उनको ये कहा भी गया है कि उस तरह से नहीं करना है। बच्चों का जो डाइट रहता है जैसे SF 75 या 100 रहता है वो पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है। हालांकि क्या आता है कुछ शरीर में ये उनको ये जिज्ञासा होती है नहीं उत्सुकता बस कि उन्हें भोजन या उन्हें क्यों चालू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि जो F75 या F100 में जो डाइट जो है वही बता रही हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगा, कल भी मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये अच्छा नहीं लगा कि कल क्या है दोपहर का बासी दाल को दिया गया रात को, सही बात बता रही हूँ जी। और वो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, बाकी तो चलो ठीक है। अभी भी शाम को क्या बोलते हैं खाने को कुछ दे ही नहीं रहे हैं, शाम को बच्चे लोग को भूख लगता है तो कुछ मिल ही नहीं रहा। खबर पामगढ़ से है जहां पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक जगदलपुर में नौकरी लगवाने के नाम पर यशवंत बंजारे से 16,15,000 रुपए की ठगी की गई थी, जिसकी शिकायत नवागढ़ थाने में की गई थी। वहीं आरोपी से पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खबर मालक रौदा से है जहां पर ग्राम भेड़ी कोना में राम कथा अमृत महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। बता दें आज से पूरे 9 दिनों तक ये कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें भगवान राम की कथा का वाचन किया जाएगा। वहीं पर आज सुबह बाजे गाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।